हेलो एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। सो टुडे आई एम हियर विद द मर्सिडीज C300 कैबरियले। सो ये C300 है, कन्वर्टेबल आपको दिख रहा है। मैं इस गाड़ी के बारे में भी आपको सारे फीचर्स वगैरह ये सब बताने वाला हूँ, जो जो कूल फीचर्स हैं जो हो सकता है आपने नहीं देखे हो, बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने। बीइंग अ मिडिल क्लास गाय मायसेल्फ, तो एक हर बंदे का एक सपना होता है यार, मर्सिडीज प्लस कन्वर्टेबल। द कन्वर्टेबल थिंग इज लाइक द एड ऑन जो सबको एक चाहिए लाइफ में। सबका एक सपना होता है यार कि गेड़ी मारनी है तो कन्वर्टेबल गाड़ी में। तो ये चीज़ें मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी की फीचर्स बता रहा हूँ, क्या क्या कूल चीज़ें हैं, चला के भी दिखाएंगे, ड्राइव दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। सो मेक श्योर वीडियो आप देखते रहो और प्यार अपना देते ही रहना। सो लेट्स गो इनसाइड द कार। दिस इज द मर्सिडीज की। सो नाउ वी आर इनसाइड द मर्सिडीज C300। गाड़ियों करते हैं सबसे पहले ऑन। ब्रेक पेडल पे पैर। दिस इज द स्टार्ट बटन। सो द कार इज ऑन। और अब आपको इसका सबसे कूलेस्ट फीचर दिखाता हूँ, द कैबरियले फीचर, द कन्वर्टेबल फीचर। सो दिस इज द बटन, यू हैव टू होल्ड इट। और आपका रूफ, सब गाड़ी कन्वर्ट हो चुकी है। एंड इस गाड़ी में जो नई गाड़ी है, दिस इज द 2020 मॉडल C300, तो इसमें एयर कैप सिस्टम है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपके सर पे या ऐसे हवा ना लगे, एयर कैप सिस्टम। तो यहाँ पे भी नोटिस करना, यहाँ और ये पीछे वाला, तो ये प्रिवेंट करता है एयर आपके मुंह पे हवा लगने से, जिसकी अगर हाइट थोड़ी है ज़्यादा तो मुंह पे हवा ना लगे, उसके लिए ये चीज़ होगी। एंड द अदर फीचर, विंडो रोल डाउन, एक बटन से चारों विंडो आपके रोल डाउन हो जाएंगे। सो दिस इज द बटन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो द नेक्स्ट कूल फीचर, सेफ्टी। सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेफ्टी को भी कूल कैसे बनाते हैं मर्सिडीज से सीखो। सो नाउ आई विल शो यू द सीट बेल्ट फीचर, कम दिस साइड ब्रो। सो हियर दिस बटन, ये आपको प्रेस करना है और आप यहाँ सीट बेल्ट पे नोटिस करना। सो सीट बेल्ट आपके पास खुद आ रही है कि मुझे लगा लो। एंड देयर आर स्टिल मोर फीचर्स, आपने सीट बेल्ट लगा ली, सीट खुद टाइट हो रही है। सो ये फीचर्स हैं सेफ्टी को लेके, और भी आपको बताता हूँ मैं इसके फीचर। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, आपके हाथ में कंट्रोल से आप पूरी सीट ट्राई कर लो। आपको मैं दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले। पहली बात तो इसमें मोड्स हैं, इको मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट प्लस। तो ये तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस क्या करेगा। स्पोर्ट प्लस इसको आदमखोर बना देता है, सो दैट विल ड्रैग दिस कार इनटू एयर, और आपको ऐसा लगेगा आप टेक ऑफ करने वाले हो बिल्कुल। सो दैट्स द पावर फीचर। और जो इसका जो 2020 मर्सिडीज में आया C300 में, ट्रैक पैड फीचर, आपको याद होगा ब्लैकबेरी में ट्रैक पैड होते थे, एंड वॉज सो कूल कि ट्रैक पैड लोग चलाते। तो आप इस ट्रैक पैड से जैसे यहाँ पे देखोगे, ये डिस्प्ले कंट्रोल हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, और इस वाले ट्रैक पैड से ये वाला चेंज होता है। तो ये तो आपने देखा छोटे ट्रैक पैड, द बिगर ट्रैक पैड। सो दिस इज द बिगर ट्रैक पैड, यहाँ से आपका ये पूरा कंट्रोल हो रहा है। तो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे, कि क्या कंजम्पशन है, डायनामिक सिलेक्ट, असिस्टेंट। पहले लिस्ट देखते हैं, व्हीकल के बारे में जानते हैं। सो डायनामिक सिलेक्ट, इसमें आपको इंजन के बारे में पूरा डेटा आ जाएगा। एंड व्हेन यू एक्सेलरेट, और जब गाड़ी चलती है उस हिसाब से आपको पूरा बताता है। फिर उसके बाद व्हीकल डेटा हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेट जब करूँगा, नोटिस एयर ये बढ़ रहा है। एंड जब ब्रेक दबा रहा हूँ तो कितने परसेंट ब्रेक मैंने दबाया है ये देखो। तो इट शोज एवरीथिंग, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स भरा हुआ है गाड़ी में। स्टेयरिंग में देखो, अभी 31 डिग्री इधर राइट मुड़ा हुआ है, अगर मैं इसको इस साइड मोड़ रहा हूँ तो एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, इलेक्ट्रॉनिकली कम्बाइंड, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही दे देगा। और भी बहुत सारे फीचर्स है, इतना मैं डेप्थ में जाऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। द पार्किंग, इसमें पार्किंग कैमरा है,
ठीक है, बेसिक चीज़ है, होता है सब में। तो दिस इज द सराउंड पार्किंग कैमरा और ये लो वाला है। लेकिन अब आपको दिखाता हूँ, पीछे जाओ और पीछे दिखाओ इसका कैमरा कहाँ पर है। सो दिस वॉज द कैमरा जो मर्सिडीज़ के लोगों के नीचे जाता है कि वो गंदा ना हो, डस्ट वस्ट ना हो उसमें। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, सबसे प्यारी जो चीज़ लगती है जो क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक, तो ये आपको पूरा टाइम दिखाता है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। और ये जो बटन्स है ये आपको किसी कॉकपिट से कम नहीं लगेंगे। जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर है एंड जो पैसेंजर है उसके लिए आप अलग कंट्रोल कर सकते हो। सो ये टेम्परेचर पैसेंजर के लिए लो हो रहा है एंड यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे लिए हो रहा है। सो ये भी चीज़ है इसमें, मतलब हर चीज़ कंफर्ट के हिसाब से। मर्सिडीज़ इज नोन फॉर कंफर्ट, प्लस इस गाड़ी में स्पोर्ट्स प्लस मोड पे आपको कंफर्ट और स्पोर्ट्स दोनों का अलग ही मज़ा मिलता है। सो नाउ लेट्स गेट इन द कार एंड लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। एग्जॉस्ट नोट गाइस, गाड़ी के बारे में बताता हूँ। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आ रहा है और जो इसका प्राइस है दिल्ली में ऑन रोड, दैट इज 79 लाख। अब आपको इससे एक फीचर दिखाता हूँ, ऑटो पार्किंग। तो अब यहाँ से मैं इसका ऑटो पार्किंग एंगेज कर रहा हूँ, नॉट सेइंग ड्राइव फॉरवर्ड टू सर्च फॉर पार्किंग स्पेस। सो ड्राइविंग फॉरवर्ड, सो अब इसने पार्किंग स्पेस ढूंढ लिया है, अब मुझे बस कंफर्म करना है। मैंने यहाँ से कंफर्म कर दिया है। अब ये पूछ रहा है रिवर्स लगानी है गाड़ी की फॉरवर्ड लगानी है, रिवर्स पे करते हैं। अब ये बोल रहा है रिवर्स गियर लगाने के लिए, रिवर्स गियर मैंने यहाँ से लगा दिया। अब मैं ब्रेक इसका छोड़ रहा हूँ, लेट सी कैसे लगाता है गाड़ी। थोड़ी सी फट भी रही है मेरी कि गाड़ी में कहीं लग ना जाए। ओ भाई ये क्या कर रही है, इसने खुद ब्रेक मार दिया। अब देखो अभी आगे खुद घूम रहा है, स्टेयरिंग गियर भी चेंज कर लिया इसने, फ्रंट गियर खुद लगा लिया। अब रोक दी, देखो मेरा पैर कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो पीछे जा रही है, स्टेयरिंग घूमा घूमा घूमा, ओके ओके नहीं लग रही, नहीं लग रही, ओके ओके ओके, इट्स डूइंग इट्स जॉब वेल। फ्रंट गियर लग गया आगे का, भाई मेरी पटरी कसम से बहुत ज्यादा फट रही है अभी कि गाड़ी लग ना जाए कहीं पे। लेकिन हाँ थोड़ा सा मर्सिडीज का सिस्टम है तो भरोसा है, गाड़ी पार्क हो चुकी है, बस थोड़ी सी और पीछे हो गई, गाड़ी लग गई, एक्टिव पार्किंग असिस्ट फिनिश्ड। हो सो ये इतना ढूंढने के बाद, इंडिया में थोड़ा मुश्किल है ऐसे ढूंढना, तो इसीलिए जिसका जो ओनर है इस गाड़ी का उसने भी कभी ये फीचर यूज नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फीचर अभी यूज किया है। तो मैं बस को पार्किंग पे भी ऑटोमेटिक आ गया, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से मुझे निकल जाना है। प्लीज चूज एग्जिटिंग डायरेक्शन एंड कंफर्म। तो अब मैं इसमें राइट करूंगा, राइट डायरेक्शन पे अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी निकाल भी खुद देगा। अभी बस ये बोल रहा है मुझे एक बार शुरू में फॉरवर्ड गियर लगाना है, ब्रेक पे पैर, ड्राइव मोड पे मैंने लगा दी, इंडिकेटर भी खुद ऑन हो गया एंड नाउ आई एम लीविंग द स्टेयरिंग एंड ब्रेक एक्सलेटर एवरीथिंग। ये खुद गाड़ी को आगे निकाल रहा है एंड खुद एग्जिट कर देगा। तो पार्किंग फीचर के साथ साथ एग्जिट फीचर भी है, एक्टिव पार्किंग असिस्ट। ओके ओके
इसने गाड़ी अपनी निकाल दी पार्किंग स्पेस में से और इसने बोल दिया कि अब मैंने निकाल दी है, आप स्टेयरिंग पकड़ लो। सो वो भी फीचर है। तो आपको मैंने बता दिया एक्टिव पार्किंग असिस्ट, आपको मैंने इसकी प्राइस के बारे में बता दिया, आपके उसकी टॉप स्पीड के बारे में बता दिया। 0-100 दिस कार कैन डू इन 6.2 सेकंड्स। एक लॉन्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट खुद आगे आ रही है। ओके, सो द सीट बेल्ट इज ऑन। अब मैं आपको गाड़ी एक बार लॉन्च करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपके लिए लगा देता हूँ व्हीकल इंफॉर्मेशन में, व्हीकल डेटा, एंड इसको आप डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। इट्स ऑन इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस पे डालते हैं। सो लेट्स डू द लॉन्च और देखते हैं कि ये कैसे भागती है। 1, 2, 3 ओ भाई, भाई साहब फट गई। क्रेजी स्पीड, मतलब जो आपको इनर्जिया फील होता है ना, एंड पावर की कमी बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। सो इट जस्ट शूट्स, एंड आवाज आपने सुन ली होगी कि कैसी आवाज आ रही गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। एंड दिस इज द स्टॉक एग्जॉस्ट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है गाड़ी में, कुछ भी अलग से किट नहीं लगी है, दिस इज द स्टॉक एग्जॉस्ट। और फिर भी BS6 मॉडल है और इतनी प्यारी आवाज, इतनी स्मूथ आवाज है गाड़ी की। एंड अभी हम लोग इसकी छत रूफ खोल के चला रहे हैं, एंड इट्स वेरी कूल, वेरी कूल। हर बंदा चारों तरफ की नजर इसी गाड़ी पर है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। एक तो इसका रेड कलर, जो कि आपको दिख रहा होगा बाहर से वीडियोस में, एंड जो इसका कैबरेले, मतलब कन्वर्टेबल थिंग, अमेजिंग अमेजिंग थिंग चला रहे हैं। और जो मैं आपको उस टाइम दिखा रहा था खड़े खड़े इंजन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अभी देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूरा इंजन इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक्सेलरेट करूंगा जैसे, तो पूरा यहाँ पे RPM और स्पीड दोनों चीज साथ में दिखाता है, तो आपको साथ साथ पता लगता रहता है, पूरा एक एनालॉग में बढ़िया दिखता है, तो मजा आता है आपको। यहाँ तो आपका है ही, लेकिन जो आपके पैसेंजर्स के लिए पीछे भी कोई बैठा है तो उसके लिए भी लगता है, तो बहुत कूल लगता है पीछे। इसको थोड़ा सा ऑफ रोड बस ले गए थे, इस गाड़ी के लिए बहुत है। सो दिस कार इज नॉट फॉर इंडियन रोड्स। आप इसको रात में ही लेके, कभी जब खाली है तभी लेके इस गाड़ी का मजे ले सकते हैं। गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना जो भी कार लवर्स हैं उनके साथ, अपने फ्रेंड फैमिली जिनके साथ आप करना चाहते हो, कि मुझे आपका सपोर्ट दिखे और मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। और कमेंट सेक्शन में ये लिखना बिल्कुल मत भूलना कि आपको अगली कौन सी कार या बाइक की ऐसी एक वीडियो चाहिए, ड्राइव वीडियो, फीचर वीडियो, व्हाटएवर यू वांट, डू दैट, राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। Bye-bye.